बनाऊंगी सारे घर के काम। चपली कबाब नहीं, गोला कबाब। गोला कबाब कब कढ़ाई बनानी है। हाँ, सांस के बगैर जी रही हूँ मैं। हाँ, देखो ये वही औरत है जो सांस के बगैर जी रही है। सलेमान उनमें मुझे नख खटा लाल है, नख खटा लाल है। कभी कभी जैसा अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं खैरियत से हूँ, मेरी फैमिली भी खैरियत से है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो रात का वक्त है, ये मैंने ब्लॉग जो है वो रात को शुरू किया। आप टाइम देख सकते हैं। और डिनर में मैंने काले चने पका लिए हैं। मैं ऊँचा मेरा छोटा बेटा कह रहा है मम्मा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, गला फाड़ फाड़ के बोलूं। तो अगर आवाज़ नहीं आ रही मेरी तो फिर माइक खरीदना पड़ेगा ना। अगर रिवर्स को मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो उम्मीद करती हूँ कि आवाज़ मेरी आ रही होगी। तो चले इसी के साथ ही हम आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। ये मजाक हो रहा है। अच्छा जी, तो डिनर में मैं क्या कह रही थी, हाँ डिनर में आज मैंने जैसा कि हमारा एक वो शेड्यूल है कि बुध वाले दिन हमेशा चावल पकते हैं, वाइट चावल के साथ दाल पकती है, चने वगैरह पकते हैं या कुछ और पक जाता है। तो आज मैंने वाइट चावल के साथ काले चने पकाए हैं। तो चले किचन में चलते हैं। और अगर ये शेड्यूल बिगड़ जाए तो मुझे गुस्सा चढ़ जाता है, क्योंकि मेरे फेवरेट वाइट चावल है। और आपके आपका वो अगर मेन्यू बिगड़ जाए खाने पीने का तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। चलें लेट्स गो किचन में। हम औरतों का तो ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरता है ना, है ना? बात तो सही है। चल चलिए। यहाँ पर अब मैं किचन में आ गई हूँ। ये देखें, यहाँ पर मैंने काले चने पका लिए हैं, भी इसके साथ वाइट राइस पकाऊंगी। तो मैं आपको काले चने एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ये देखें ये काले चने, बस हरा धनिया नहीं डाला। हरा धनिया क्योंकि बरसात में गल गुल जाता है फटाफट, तो फिर मैं इसलिए हस्बैंड साहब को कहती हूँ कि ना लेकर आया करें हरा धनिया, ठीक है? इतनी मेहनत भी करो और फिर वो सारा गल जाता है, पानी सा होता है। तो मैंने क्या करना था, हाँ मैं कहना था कि मैंने कल के लिए जो है वो सीख कबाब कढ़ाई मैंने तैयार करनी है, मतलब कल मैंने वो बनानी है, सीख कबाब कढ़ाई बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये कीमा निकाल लिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है? कीमे को मैंने पहले से ही कूट के रख लिया था, धो के अच्छे से। टें टें टें, ये कीमा, एक मिनट बेटा, ये सारा कूट लिया है। इसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक हरी मिर्च, इसको भी मैंने कूट लिया है। मैंने कहा टाइम की बचत हो और मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड साहब जो हैं वो वीडियो जो है वो एडिट वगैरह कर रहे थे, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है वीडियो अपलोड करने में, एडिट करने में, तो मुझे फिर टाइम नहीं मिलता अगला ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैंने कहा मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल दे दें, लेकिन उससे पहले मैंने ये सब काम कर लिए थे कि आप देख सकते हैं। दो मिनट यूँ ही रहे, यूँ ही करें फिर से। तो बस अब इसमें हम नमक मिर्च डालते हैं और इसको मैरिनेट करके रख लेते हैं, ठीक है? इसमें अभी हम प्याज नहीं डालेंगे, इसको ओवरनाइट क्योंकि हमें रखना है। अगर हमने प्याज डाल दिया है इसमें तो प्याज जो है वो पानी छोड़ देगा। जब आपने इसको बनाना हो, सीख कबाब बनाने हो, तब आप इसमें प्याज डालें। और ये मैं क्योंकि कल बनाऊंगी तो फिर मैं इसमें कल ही प्याज को कूट के डालूंगी। और ये भी ये दिखाए ना, हाँ ये दिखा दी। और अगर मैंने आज बनाने होते तो मैं आज डाल देती, बहरहाल मैं इसको ओवरनाइट कर मैरिनेट करके तो रख दूंगी। तो अभी मामा जी मैंने ऐसे लिखना है, तो बताएं कि किस पे ऐसे लिखे, उर्दू पे के इंग्लिश पे? उर्दू का लिखो, किस पे ऐसे ही आती है मुझे पता है। अच्छा, सोचो सोचो
का? ये किताबें मैं लेकर आया हुआ हूँ। अलामा इकबाल पे लिख के दिखा दो। नहीं नहीं नहीं, अलामा इकबाल पुराना कह रहा है, मैंने अलामा इकबाल पे नहीं लिख के दिखाना। वो पुराना है। वो पुराना हो गया, बहुत बार लिख लिया। बहुत बार लिख लिया, कोई नया लिखे? कोई नया है? नया क्या हो सकता है भाई, तुम्हारे अबू से पूछते हैं। चलो आओ, भाई आप बताएं कि ये किस पे लिखे। ऐसे कह रहा है कि मैंने ऐसे लिखना है किसी टॉपिक पे, तो मेरी टॉपिक, हाँ मैं बच्चों को नहीं लेके आ रही, टॉपिक बता दें कोई। हाँ, स्कूल खुलने वाले हैं, आज है नेक्स्ट डे, और मैंने आप लोगों को बताना था कि जो मैंने कीमा किया था नमक मिर्च लगा के मैरिनेशन उसकी की थी, तो अब मैं उसमें प्याज श्याज डालूंगी और उसके चपली कबाब बनाऊंगी। सारे घर के काम, चपली कबाब नहीं, गोला कबाब, गोला कबाब कब कढ़ाई बनानी है। हाँ, गोला कबाब कढ़ाई बनानी है। हस्बैंड साहब आ रहे हैं? सही यार, सही यार, मैं इसे सुबह से पिट रहा हूँ। वीडियो बना ले। क्या क्या कह रहे हैं? सुबह से कह रहा हूँ वीडियो बना ले। 6:30 बजे, 6:15 बजे वीडियो लगानी होती है तुम्हारी। हाँ, सुबह से बस मैं सांस ले लूँ। क्या सांस नहीं ले रही तुम? नहीं, मैं सांस ले रही, सांस के बगैर जिंदा कैसे तुम? सांस के बगैर जी रही हूँ मैं। देखो ये वही औरत है जो सांस से बगैर जी रही है। है सुलेमान, तुम्हारी माँ बगैर सांस के जी रही है। हाँ, मैं सांस नहीं ले रही, मैं सांस ले रही हूँ। आप 2 मिनट के लिए रेस्ट भी तो चाहिए ना। मैं जो 2-2.5 घंटे से काम कर रही हूँ, झाड़ू पोछा और बर्तन झर्तन जो भी काम है। अच्छा, तो मैंने गोला कबाब कढ़ाई बनानी है और मैंने वजू किया, और पहले मैं कुरान पढ़ूंगी फिर दूसरे काम करूँगी। समझ आई? और ये जो लेके आया हूँ मैं, ये सेब काटो, सबको खाते हैं सेब। हाँ, मैंने तीस साफ कर लिए और अब एप्पल ले आया। कह रहे बादाम भी छीलो, बादाम मैंने भिगोए थे। बादाम वो कल के भिगोए हुए हैं। भिगोए किसने? मैंने निकाले, इसने भिगोए। हिसाब बराबर हो गया। बस लड़ लो, सुबह लड़ लो, है ना। मैं सुबह से कह रहा हूँ वीडियो बना ले। क्या टाइम हो गया देख, 12:30 बज रहे हैं। कह रही मैं दो मिनट के लिए सांस ले लूँ। इसका सांस ही नहीं आ रहा, बगैर सांस से चल रही है। ये वाहिद औरत है जो बगैर सांस से चल रही है। तो चलें, मिलते हैं। ये जब गोला कबाब वगैरह कढ़ाई बनाएगी तो फिर आपसे मिलेंगे। और हमारी बिल्ली गायब हो चुकी है रात से। ताज़ा तरीन खबर, लेटेस्ट न्यूज़, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई। और हमारी बिल्ली गायब हो गई है, वो छोटी बच्ची आएगी और उनसे लड़ेगी। और पहले इनको ये मैं सेव काट के दे दूँ। तो चलें, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी तैयारी तो रात को भी थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, और आधी तैयारी मैंने अब कर ली है। ये प्याज मैंने कूट लिया, इसमें बेसन जाएगा 2 बड़े चम्मच और 1 अंडा। तो इसको अब हम खुले भांडे में पा लेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਲਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਗੋਲਾ ਕਬਾਬ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੋ। चलें जी, ओके, ये सारा कुछ हो गया। उन्हें दी लाओ फेंटी, चंगी तरह फेंटी लाओ। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ मैं। हुन मैंने इतना फेंटा ला लेता है कि कभी कभी जैसे आपको दिल करता है ना कि हम बंदे का फेंटा लाइए, बच्चे ने कुछ दी गई है, इसी तरह बिल्कुल अपने खानों पे गुस्सा निकालते हैं, ठीक है ना? आप लोग देखते रहे। इसी तरह हमने इसको कीमे को भी अच्छे से कूटा, प्याज को भी कूटा, सबको कूटा। अब बस हम तवा रखते हैं चूल्हे पे
इसमें डालते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक उठाया हमने और लंबे लंबे आपने बनाने हैं, ठीक है। अच्छे से इसको प्रेस करना है। आप चाहें तो सीख कबाब, वो जो होती है सिलाई जो होती है ना, क्या उसे कहते हैं, सीख, हाँ सीख, उसमें भी बना सकते हैं। और चाहें तो ऐसे हाथों हाथों से ऐसे ऐसे करके भी बना सकते हैं, बस ध्यान रहे ये टूटे ना। ये देखें बना लिया है और फिर ज़रा बन जाएं सारे तो फिर हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Thank you.